हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काफिल अकाडमी। तो आज स्टार्ट करते हैं डिफेंस मेडल। तो डिफेंस मेडल स्टार्ट करने वाले हैं आज। डिफेंस मेडल दो टाइप के होते हैं डिफेंस मेडल, एक तो वॉर टाइम और पीस टाइम, युद्धकाल के समय के मेडल और शांति के समय के मेडल। वॉर टाइम मेडल और पीस टाइम मेडल। वॉर टाइम मेडल और पीस टाइम। तो वॉर टाइम कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है परमवीर चक्र। सेकेंड होता है महावीर चक्र। थर्ड होता है वीर चक्र। फिर टाइम में कौन कौन से होते हैं? अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। फर्स्ट होता है फिर टाइम का अशोक चक्र। सेकंड होता है शौर्य चक्र। थर्ड होता है कीर्ति चक्र। तो डिफेंस मेडल दो टाइप के होते हैं, वार टाइम और पीस टाइम। तो वार टाइम में कौन कौन से होते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम में कौन कौन से होते हैं? अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। तो अब जो ये एक साल में दो टाइम दिए जाते हैं, वन ईयर में दो बार दिए जाते हैं, एक तो गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस को। स्वतंत्र दिवस पर इनकी क्या घोषणा की जाती है? एक साल में दो बार। तो पढ़ते हैं परमवीर चक्र क्या होता है। परमवीर चक्र फर्स्ट मेडल है हमारा परमवीर चक्र क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। डिफेंस मेडल का सर्वोच्च सम्मान, डिफेंस मेडल का सर्वोच्च सम्मान, फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। डेकोरेशन अवार्ड्स कौन से होते हैं? परमवीर चक्र किसे किसे दिया जाता है? सैनिकों और असैनिकों को, नर्सेस, डॉक्टर्स, उनकी वीरता के लिए दिया जाता है, उनके असाधारण वीरता के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? परमवीर चक्र। सैनिक और असैनिकों को उनकी असाधारण वीरता के लिए। वीरता के लिए क्या यह अवार्ड दिया जाता है? कौन सा? परमवीर चक्र। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1947 कब हुई थी? 3 नवंबर 1947। तो सबसे पहले किसे दिया गया था? आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था फर्स्ट अवार्ड। पहली बार फर्स्ट किसे दिया गया था? फर्स्ट दिया गया था
कुमाऊं बटालियन की फोर्थ रेजिमेंट को, फोर्थ रेजिमेंट के सैनिक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कुमाऊं बटालियन, कुमाऊं बटालियन के फोर्थ रेजिमेंट को कि मेजर सोमनाथ शर्मा को यह अवार्ड दिया गया पहली बार। इसे दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये फर्स्ट स्टेज में यह अवार्ड दिया गया। जो इस अवार्ड की औपचारिक घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1950 को की गई थी इसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 26 जनवरी 1955 को। इसकी औपचारिक घोषणा किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी औपचारिक घोषणा करी। जो इसका डिजाइन तैयार किया विक्रम खानेलकर, विक्रम खानेलकर एक विक्रम खानेलकर की पत्नी जो एक अफसर थे आर्मी में, उनकी पत्नी विक्रम खानेलकर की पत्नी सविता खानेलकर ने इसका डिजाइन तैयार किया। डिजाइन किसने तैयार किया? डिजाइन तैयार किया विक्रम खानेलकर, विक्रम खानेलकर की पत्नी जो एक अफसर थे आर्मी में, उसकी पत्नी सविता खानोलकर, सविता खानोलकर। विक्रम खानोलकर की पत्नी सविता खानोलकर ने क्या करा? इसका डिजाइन तैयार किया। तो जो इस अब तक ये कितने लोगों को दिया जा चुका है? अब तक ये 21 को दिया जा चुका है, 21 सैनिकों को दिया जा चुका है, 21 लोगों को दिया जा सकता है। इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, ये कैसा वार्ड है जिसे मरणोपरांत दिया जा सकता है। जो इसमें जो रिबन होती है, इसमें जो रिबन होती है वो बैंगनी रंग की रिबन होती है। कैसी? बैंगनी रंग, बैंगनी रंग की रिबन होती है। तो मैंने बताया आपको परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, एक डिफेंस मेडल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है वॉर टाइम में? परमवीर चक्र। जिस उन सैनिकों को दिया जाता है, सैनिक और असैनिकों को दिया जाता है उनकी असाधारण वीरता के लिए। जो इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1947 को शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहली बार दिया गया कुमाऊं रेजिमेंट के की फोर्थ बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। जो इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 26 जनवरी 1950 को की गई थी। जो इसका डिजाइन तैयार किया विक्रम खानोलकर की पत्नी सविता खानोलकर जी ने इसका डिजाइन तैयार किया। अब तक 21 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, और जो इसमें रंग है बैंगनी रंग का। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? परमवीर चक्र के बारे में इतना हमने पढ़ा है, पर हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। तो इसे नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। देखते हैं महावीर चक्र कौन सा? महावीर चक्र, महावीर चक्र देखते हैं। महावीर चक्र
महावीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, और दूसरा सबसे सर्वोच्च वर्ल्ड टाइम अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो ये सैनिकों को उनकी असाधारण वीरता के लिए अवार्ड दिया जाता है, सैनिक और असैनिकों, सैनिक और असैनिक, जो सैनिक भी नहीं है उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए? वीरता के लिए, उनकी वीरता के लिए। सबसे ज्यादा ये अवार्ड भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 में सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए। कब दिए गए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा दिए गए, सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत विस पाकिस्तान 1971 के युद्ध में सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए महावीर चक्र, महावीर चक्र। तो महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जो उनके सैनिकों और सैनिकों के लिए उनकी वीरता के लिए दिया जाता है। सबसे ज्यादा भारत विस पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये अवार्ड दिए गए। इसके बाद आता है वीर चक्र, तब कौन सा? वीर चक्र। तो वीर चक्र, वीर चक्र, वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 इसकी शुरुआत हुई, 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थर्ड हाईएस्ट। और सैनिकों और असैनिकों को उनकी वीरता के लिए, असाधारण वीरता के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हो गए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अब चलते हैं पीस टाइम अवार्ड, पीस टाइम अवार्ड। तो पीस टाइम अवार्ड किसे दिया जाता है? पीस टाइम अवार्ड तो पीस टाइम अवार्ड भी कौन कौन से हैं? अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, यह अवार्ड है। तो अशोक पीस टाइम किन्हें दिया जाता है? पीस टाइम उन्हें दिया जाता है जब आतंकवादी और एयर स्ट्राइक को रोकने में जो सैनिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है अशोक पीस टाइम अवार्ड। तो इसमें जो अशोक चक्र है इसे पीस टाइम का परमवीर चक्र माना जाता है, अशोक चक्र को पीस टाइम का परमवीर चक्र माना जाता है। तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले दिया गया लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट फ्लाइट कमांडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जन विश्वास को, सुहास विश्वास को दिया गया। तो इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई 4 जनवरी 1952 को, इसकी जो शुरुआत हुई 1952 को, इसे पहले क्लास वन पहला वर्ग के नाम से जाना जाता था। फिर 1967 में इसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाने लगा, 1967 में अशोक चक्र के से जाने जाने लगा अशोक चक्र, अशोक चक्र, अशोक चक्र पीस टाइम का परमवीर चक्र माना जाता है इसे, पीस टाइम का परमवीर चक्र, सर्वोच्च
फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पीस टाइम, जो इसकी शुरुआत हुई चार जनवरी 1952, शुरुआत कब हुई 4 जनवरी 1952, और किसे दिया आया सबसे पहले, दिए गया फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को सबसे पहली बार जगह, लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास 1952 में इसे पहला बार फर्स्ट क्लास अशोक चक्र का फर्स्ट क्लास माना जाता था। फिर 1967 में इसे अशोक चक्र कट जाएगा, अशोक का चक्र, अशोक का चक्र 1967 में, 1967 में इसे अशोक चक्र कर दिया गया। 4 जनवरी 1952 को इसकी शुरुआत हुई, जो इसने जगह ली ये ली ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस अवार्ड की, ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस अवार्ड की जगह ली इसने अशोक चक्र में, ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस अवार्ड की जगह ली। जो ये इसमें जो होता है रिबन होता है, जो रिबन होता है इसमें ग्रीन रिबन होता है, केसर रिबन के साथ ग्रीन रिबन विद केसर रंग केसर रंग के साथ, ये अशोक चक्र। शुरुआत 4 जनवरी 1952 को फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पीस टाइम सबसे पहले दिया गया फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को, फर्स्ट क्लास अवार्ड नाम से जाना जाता क्लास वर्क फर्स्ट 1967 में से अशोक चक्र के नाम से जाना जाता था। इसने जो जगह ली ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस की अवार्ड की जगह ली, और इसमें जो दिया जाता है जो रिबन होती है ग्रीन रिबन होती है केसर के रंग के साथ। अतिरिक्त नोट कर लीजिए, अब देखते हैं कीर्ति चक्र कौन सा, कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्रेशन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट मिलिट्रेशन अवार्ड कौन सा है, कीर्ति चक्र। शुरुआत हुई 1952 में, इसे क्लास सेकंड के नाम से जाना जाता था, क्लास सेकंड। और 1967 में इसे कर दिया गया कीर्ति चक्र, कौन सा, कीर्ति चक्र 1967 में। ऐसे थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, सूर्य चक्र, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, सूर्य चक्र 1952 में से क्लास थर्ड के नाम से जाना जाता था, और 1967 में से अशोक चक्र सूर्य चक्र कर दिया था। तो ये अवार्ड पढ़ लिया हमने, डिफेंस मेडल इंपोर्टेंट अवार्ड है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है आर्मी डे, तीन जनवरी आर्मी डे
जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये इस दिन हमारे जनरल के एम करियप्पा के सम्मान में क्या मनाया जाता है? जनरल के एम करियप्पा, जो जिन्होंने 1947 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जनरल के एम करियप्पा। और 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश आर्मी चीफ, ब्रिटिश आर्मी चीफ ने क्या क्या पत्र दे दिया? बोचर्स, ब्रिटिश आर्मी चीफ बोचर्स ने अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद जनरल के एम करियप्पा ने कमान संभाली। तो इन्हीं के सम्मान में क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलते, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।